तो भाई ये बंदा ट्यूब ले रहा था, मैं पहले इसको पहले भाई FPS देख रहे हो भाई 85 के ऊपर दे रहा है भाई। कौन सा तो देखो भाई भी बच गया भाई। ओ भाई सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हमारे पास रियलमी X2 Pro का 12GB 256GB वाला वेरिएंट, और आज हम इसमें PUBG का 90 FPS टेस्ट करने वाले। बूट कैंप उतरेंगे हम लोग और FPS के साथ टेस्ट करेंगे कितना FPS दे रहा है, और पूरा गेम प्ले देखना, एंजॉय करना। और इसमें मैं बताऊंगा कैसे आप लोग ब्राइटनेस को बिना कम किए 90 FPS ले सकते हो। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस मैं देखो लॉबी में आ गया, ऊपर लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं FPS मीटर है, देख सकते हैं 90 FPS कर रहा है ग्राफिक्स में मेरा, और ब्राइटनेस देख सकते हैं आप लोग ज़्यादा ही है। आप लोग यूट्यूब में देखोगे कि कम ब्राइटनेस पे 5 मिनट्स के नीचे होता है, पर देखो मेरा देखो बड़ा हुआ है। कमाऊँ कुछ भी कर लो भाई, मेरा देखो 90 FPS देगा, ठीक है। तो भाई ये कैसे मिलता है वीडियो के बीच में बोलूँगा कैसे कर सकते हैं, जो भाई वीडियो देखोगे। तो मैं स्टार्ट कर लिया हमने, और बताई देता हूँ सुन लो, और यूट्यूब में बहुत वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर। तो ये जो रियलमी X2 Pro फ़ोन है, आप लोगों में से जिनके पास ये फ़ोन है तो उनका जो फ़ोन का डिवाइस का जो बूट लोडर है उसको अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद कस्टम रोम्स इंस्टॉल करना पड़ता है। बहुत कस्टम रोम्स होता है लिनेज OS या फिर बहुत होता है, मैं अभी लिनेज OS 17.1 यूज़ कर रहा हूँ कस्टम रोम। जो रियलमी का UI है उसको निकाल दिया है फ़ोन से, क्योंकि उसमें भाई 60 FPS ही देता है, 90 FPS नहीं देता। पर मेरे को भाई 90 FPS में खेलना पर खेलने का भाई बहुत शौक है, इसलिए भाई ये किया मैंने। आप लोग देख सकते हो फ्रेम, देख सकते हो फ्रेम रेट अभी 89 देख दे रहा है, ठीक है। तो इसमें वन प्लस 70 से भी ज़्यादा अच्छा फ्रेम देगा, आप लोग देख सकते हो। और बूट कैंप चलेंगे, बूट कैंप के मेन बिल्डिंग पे उतरेंगे हम लोग, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस, देखते हैं इसका कैसा रहता है परफॉर्मेंस। तो हम लोग कूद गए। तो एक बात बता दूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हो भाई सब सब्सक्राइब कर लेना भाई, और भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे अगर मैं अगली बार जो जो ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अभी हम उतर गए, बहुत बंदे आ रहे हैं, मिल गया इनके को। भाई 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 क्या गया भाई, भी क्या। और मैंने मुझे पता ही नहीं चला कि भाई ये बंदा कहाँ से आ गया, मैं तो भाई प्रोन था इसलिए भाई बच गया, तो मेरा भी हो जाता था। ये जैसे इसको मार रहा था इसको भी बेल दिया मैंने, तो भाई इधर से बंद आया, मेरा हेल्थ नहीं था ना था वेस्ट ना था हेलमेट, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे इधर बहुत हालत बहुत ख़राब था, इधर मेरा बहुत बुरा हालत था इधर मेरा। तो मैंने सोचा कि नीचे जाओ हेल्थ मिलता, अगर कुछ मिले तो लूटू, तो गया तो हाँ मेरे को मिल गया भाई, लग देखो अपना हेल्थ मिल गया, पर बेस्ट हेलमेट कुछ नहीं था, पर हमको था बूट कैंप खाली करने का नशा। तो इधर एक बंदे को खेला वहाँ पर क्या, पर पूरा ख़त्म नहीं हुआ, इतना गोली दिया चलो तो मार ही दिया इसको। और फिर का इधर एक लेफ्ट से बंदा गया भाई, इतना गंदा हो गया मेरा,
बिना नॉक नहीं हुआ, वो तो देख रहा था क्या कर रहा था पता नहीं। ये बंदा एक बार ऊपर आ रहा है पीछे जा रहा है। मैं इधर थोड़ा गोली चाहिए था मेरे को, इधर से एक बंदा गया तभी मेरे सामने से, तो मैं इधर आया तो देखा कितना एक बंदा इसको खेल दिया। तब लोग FPS देख सकते हो 88-86 करके FPS दे रहा है, तो इसको भी खेल लिया मैंने। इसका दोस्त लोग ऊपर ही है तब इनको भी मारना होगा। तो अभी इधर टीवी भी ले रहा था मैं, इधर जम करके गया भाई इसको खेल दिया। तो फ्रेम लेके इतना इंटेंस सिचुएशन पे भी देखो, फ्रेम देखो भाई 89-86 जा रहा है इतना इंटेंस सिचुएशन पे भी, तो सोच ही सकते हो भाई तगड़ा, भाई तगड़ा डिवाइस है गेमिंग के लिए। और भाई अगर तुम ये कस्टम रोम है ना लीना जो है 17.1 अगर ये कर लो हमारे रियल मी X2 Pro डिवाइस में, तो भाई ओपी हो जाएगा और यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा तुमसे। यूट्यूब में भाई तुम लोग सर्च कर लेना लीना जो है 17.1 हाउ टू डाउनलोड फॉर रियल मी X2 Pro, बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे वो कर लेना, ठीक है तो तुम्हारा हो जाएगा भाई एकदम। परफॉर्मेंस को भी नेक्स्ट लेवल कर देता है, देख रहे हो 90 FPS, देखो FPS देख रहे हो 89। और इधर एक बंदा था इसको खेल दिया। अबे इधर भी ये जो मेन बिल्डिंग था तो खाली था, अभी साइड में खाली करना है इसलिए निकल पड़ा मैं। लेवल का फेस था भाई सामने, ले लिया। मैं इधर थोड़ा गलती कर रहा था, सामने से जा रहा था, फिर याद आया भाई अगर सामने बंदा टीवी लिया हुआ तो मेरा भाई गेम बजा देगा। फिर मैं इधर आया तो फुट स्टेप आया मेरे को, और मेरा देखो गेट मैनुअल था, अभी मैं लग जाता ऑटो से मैनुअल कब हो गया पता नहीं। इजी गेम मिल गया इधर, वैसे लैग तो उतना कुछ खास कुछ नहीं हो रहा। वो अगर बोलूँ तो भाई एकदम इधर स्मूथ चल रहा है गेम, बूट कम है फिर भी। जब उतरते हो तब तो 77-76 जाता है, पर भाई तुरंत देख ठीक हो जाता है इसका पता नहीं। इधर एक बंदा था इसको नेट वेट किया पर कुछ काम का नहीं था, बंदा गैप गैप से मार रहा था मेरे को। अच्छा बंदा था ये, उसको मारना था मुझे, मेरे को पता था अगर मैं इधर से जाता ऊपर से तो भाई गारंटेड पेल लेता, क्योंकि इधर एक लग था और इधर से भी चांसेस था मेरा मरने का। मेरा एच पी देख रहे हो भाई, एच पी देख रहे हो, एच पी देखो मेरा, इधर देखो देखो इसको मारा और इसको दोस्त को मारा भाई। ये सीजन अगर देख रहे हो तो भाई इसके बाद भाई अगर पसंद आई ये वाला सीन तो भाई लाइक ठोको, भाई लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो भाई ये सीन अगर पसंद आए। और एक बात, अगर पबजी तो मेरा देख रहे हो उसमें चल रहा है बिना VPN के मेरा डिवाइस में, आप में से कौन कौन के डिवाइस में चल रहा है पबजी वो भाई कमेंट करो। किस किस के डिवाइस में अभी पबजी चल रहा है इंडिया में बैन होने के बाद भी, और अभी तो खबर आ रहा है कि जल्दी पबजी आ जाएगा इंडिया में, दिक्कत का बात नहीं है, दिवाली में या फिर दिसंबर के लास्ट में तो आ ही जाएगा इंडियन पबजी। तो भाई लोग कमेंट करो किस किस का चल रहा है। इधर से देखो एक बॉट आ गया, चलो कोई नहीं इसको भी मार दिया, ड्रॉप गिरा था पीछे पर मेरे को चाहिए था कि सब सामने गोली चल रहे थे, तो मैं भाई बूस्ट मूस्ट मार के निकल पड़ा बंदे मारने। और गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ भाई नया चैनल है ना वह थोड़ा सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को जो भी देख रहे हो वीडियो को। तो मैं तो देख रहा था कि तेरे बंदे बंदे स्पॉट कर रहा था, स्पॉट ही नहीं हो रहा था पहले इतना पैर आ रहे थे
फिर भाई देखो भाई इधर बंदा दिखे क्या कर रहा था भाई, ये मेरे को मार सकता था, मेरे को मारा नहीं भाई, पता नहीं भाई क्या कर रहा था ये। चलो भाई पेल दिया इसको, अब इसको चलो लूटते देखते क्या मिलता है इसके पास से। और यूट्यूब में तो 60 FPS से सपोर्ट करते, नहीं तो भाई 90 FPS लो डालता रिकॉर्ड करके, यूट्यूब में तो 90 तक का ऑप्शन नहीं है, 60 डाल सकते, इसलिए आप लोग 60 पे ही देख रहे हो, तो मतलब 90 FPS इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो हमारे बूट के में 12 किल हो चुके थे, और हमको इधर M4 और बैरल था हमारे पास, और ड्रॉप भी मिल गया था, तो मैं इधर से जा रहा था तो भाई तभी एक फुस्ट पाया, तो लगा हाँ बंदा है भाई, तो मेरा थोड़ा लेट रिएक्शन था, पर देखो भाई 90 FPS लगे चल गया, ये होता है 90 FPS का फायदा, रिएक्शन लेट था पर बचा लिया। और भाई ये बंदे के पास दो फ्लेयर था, दो क्या कर रहा था भाई, फ्लेयर में चला के दो लेके बैठा था, क्या करोगे भाई दो फ्लेयर लेके। तो मैं इधर वेट कर रहा था कब ड्रॉप आएगा, तो मेरा दो फ्लेयर का ड्रॉप आ गया, फिर हम गए लूटने, रोजा था और आम था, रोजा लिया और तभी भाई शॉर्ट्स आने लगे भाई, बाहर से मैंने स्पॉट किया तो पहली बार इतना अच्छा पास नहीं गया, बहुत गंदा गया, पर दूसरे बार मैं उसको भेज दिया, पता नहीं भाई लेट लेट क्या कर रहा था, दूसरा रॉक तो ऊपर गिरा था, इधर में बंदे स्पॉट कर रहा था, बंदे की तरह मुझे सांप के बच्चे लेटे रहते, पबजी बैन हो गया है तो वे सांप तो ज़्यादातर दिखने मिलेंगे, और जो पे अभी असली बंदे आ रहे हैं अच्छे विकास से, और बाकी तो भाई इतने कुछ खास बंदे नहीं है, और जो पे अगर जाओगे पैराडाइज या फिर क्या बोलते हैं बूट कैंप तो उधर ही मिलेंगे असली बंदे। और इधर एक गोली आई थी तो मैं स्पॉट कर रहा था, तो देखो भाई गाड़ी जा रहा था इधर, तो देखो मैं स्प्रे दिया है, देखो भाई बहुत डैमेज किया, रेड रेड मार गया, हेड का है और बॉडी का है, तो मैं इधर भागा, उनको मारना था मेरे को क्योंकि वो लोग इधर ही आने वाले थे, तो मैं इधर स्पॉट कर रहा था भाई, और तभी भाई साइड से बंदा आया और फिर मेरा अटक गया था, मैं सोचा भाई क्या मेरा काम तमाम, बहुत मुश्किल से इधर बच बच के भाई पत्थर के पीछे आया, क्या बताऊँ हिल वगैरह किया, मेरा तो इधर भाई जाने निकल गया था, घर सामने वाले घर से मार रहा था पीक करके, मैं उसको स्पॉट कर रहा था, मेरे को पता चला कि हाँ वो, बाद में पता चला कि वो उधर जो दरवाज़ा है ना उधर ही था, फिर मैंने तो स्मोक करके इधर गया, पता नहीं भाई कौन सा बंदा कैसा हो जाए, पेल के चेक दे, हमारा तो 15 किल हो चुके थे, हमको और किल करना था, पर इधर हमको चिकन भी लेना था इसलिए थोड़ा होल्ड कर लिया, ये बंदा भी अच्छा मार रहा था मेरे को, आधा हेलमेट डैमेज कर दिया था मेरा, मैंने सोचा कि अंदर तुम नर्वस नहीं करते, थोड़े रुक जाते देखते क्या होता है, मेरे 20 मीटर ऐसी जगह पे था कि बंदे नहीं दिख रहे थे कितने बंदे अलग थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था मेरे, जैसे फायर है जैसे एक गाड़ी आया था जो इन पे रस हो गया भाई, और यही भाई सबसे अच्छा मामला।